का स्टोरी को 24 घंटे बाद जो डिलीट हो जाता होगा, तो वो स्टोरी को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आए हैं। और आप जो कोई भी पुराना से पुराना जो स्टोरी है जो आप लगाए होंगे वो वीडियो जो डाउनलोड भी कर सकते हो, या फोटो लगाए तो फोटो डाउनलोड कर सकते हो, और ये वीडियो लगाए तो वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसे करना इस वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आपको क्या करना, फेसबुक ओपन करना। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, और यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट में चले आना और सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक्टिविटी लॉग्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आर्चिव पे क्लिक कर देना है, जो कि डिलीट के जस्ट बगल में आ रहा है, जो कि डिलीट का एक आइकन है उसके जस्ट बगल में आ रहा है आर्चिव, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर देने के बाद वो आपको क्या करना, स्टोरी आर्चिव पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो भी हमारा स्टोरी लगाया हुआ है, और यहाँ पे स्टार्टिंग से जो भी मतलब स्टोरी या वीडियो, जो भी फोटो या वीडियो लगा होगा सारा यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब इसे जो डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है, कोई सा भी स्टोरी का जो ओपन करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए ये वाला है जो स्टोरी यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं, इस पर जो क्लिक करते हैं, इस पर जो क्या करना है, 3 बिंदु पर यहाँ पे देख सकते हैं 3 बिंदु पर क्लिक करना, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से जो आपको आपको गैलरी ओपन करना, और गैलरी ओपन करने के बाद यहाँ से जो आपको फोटो रहेगा, ये फोटो है तो फोटो में आ गया, ठीक है। वीडियो रहेगा तो वीडियो में आ जाएगा, जो कि देख सकते हैं, ये फोटो है जो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का आप नहीं यहाँ पे आ रहे हो मतलब ये सेटिंग्स पे, तो आपको थोड़ा बैक आना, और मतलब यहाँ पे आपको क्या करना, जो आपका प्रोफाइल रहेगा इस पर जो क्लिक कर देना है, चाहे आप यहाँ इस पर क्लिक करके यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, सेम जगह पर आ जाओ, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का जो प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर 3 बिंदु का एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आर्चिव पर क्लिक कर देना है। सेम वही इंटरफेस पे आ जाइएगा जो सेटिंग से जाना होता है, ठीक है ना। इस पर आपको क्लिक कर देना, स्टोरी पे क्लिक करना, और यहाँ से जो भी आपका फोटो वीडियो रहेगा यहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। तो कुछ इस तरीके से जो आप अपना स्टोरी है जो, और फेसबुक का स्टोरी है जो डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो रहे चाहे फोटो रहे वो बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।